हेलो गाइस, यार बालोटिया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह सुबह ही बात सकरात के दिन अंबर ने गाग से गल लग रही है सलगा दी आग है भरने गाग सलगा दी है सलगा तो पहला भी रखी थी इधर चूल्हे में ये भर ला के रख दी है चल नहीं अंदर की तरफ यू काम हो गया गया नक्की। भाई सारे भैया ने राम राम और बस सकरात की तय दिल से हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और जैसा कि मैंने निशाना भी दिखाया था कि आग सलगा दी है और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको धुंध का नज़ारा। ये देखो बहुत धुंध ही धुंध है, बहुत धुंध पड़ रही है। और ये हमारी बावड़ा है। ये हमारी भाभी जी है देखो ये बोट में नक्सल लिए इसके लगता है थोड़े इसके गुस्से से ले रह गए हैं भाई थोड़ा, इसलिए इसको टाइम लग रहा है आग सलगाने में। हैं जी ऐसी है ना बात। चलो अगले पड़ोसी के पास चलते हैं। देखो भाई एक पड़ोसी ने भाई आग सलगा दी है और ये देखो भाई बकल बकल चल रही है और ये अभी ये पड़ेगा पैर में दर्द है और ये भाई गोबर पास रही है पैर में दर्द होने के बावजूद भी अभी छत पे गोबर पाथेगी भाई। ये इन्होंने गोबर की कीमत को समझा है नालियों में नहीं बह रही, ये गोबर को सोना बना रही है गोसे बना रही है भाई। इस सलगेंगे पानी तत्ता होगा है भाई बहुत मौज होगी। तो भाई अभी देखो उधर भी पड़ोसी है सलगा दी है तो अभी चलते हैं हम अंदर। हाँ मैं वो तो बोल रहा था गोसे सी ले हैं इसलिए आग नहीं बोल रही, अभी बढ़ जाएगी आप चिंता मत मानो। इधर बाढ़ रखी चूल्हे में आग, मैंने अपना पानी डाल के रख दिया अंदर नानती और ये और आते ही जो घर के मैं बड़ा सरवीर जी तो ना आया ही नहीं करा सकरात ने भी इनका तो रिकॉर्ड है पर नु है हम तो सारे ना आएंगे। और इतने ना बाहर दास लगाया था इतने मेरी चाय का पानी बढ़ गया मैं दूध ले आऊंगी एक बार भी। और ये डाल दिया दूध चाय में सर्वेश जी तक कति कति रिकॉर्ड है इनका तेन कह देना अगर जो ना ना हो गए बने नहीं मेरा क्या खेड़ा है लोग मारे मेरा फिर तो मैं तो इन तक कह ही नहीं करूँ जो जी करा वो करो जो जी करा वो मत करो मैं नहीं क्या अगले दिन तक कुछ भी। तो गाइस ये सही बोल रही है कि भाई किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए तो भाई लेडीज तो कुछ भी कह सकते हैं अपने हस्बैंड ने तो नहीं कहना चाहिए तो भाई अगर लेडीज कहेंगी तो भाई जेंट्स भी कहेंगे तो भाई गधे का तो गधी है यार तो इसमें कोई काली वाली बात नहीं। अगर कोई लेडीज अपने पति को भाई नहीं नहाने को गधा कहेगी ना तो वो खुद भी गधी होगी ना क्योंकि भाई मेल से मेल औरत पुरुष गधा गधी घोड़ा घोड़ी बंदर बंदरिया तो ये तो भाई चलता रहा है तो किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अंदर उत्तरी की भाई मेरा बच्चा तो उठ गया भाई छोटा वाला वर्तिका हेलो बेटा। अरे भाई रिधि भी उठ गई हैप्पी सकरात बेटा हैप्पी सकरात बेटा हैप्पी सकरात बेटा तो ये तो भाई 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 आपको ना वर्तिका हैप्पी सकरात बोल रही है और हेलो गाइस बोल रही है ना वर्तिका। हाँ देखा भाई हाँ अभी सुबह सुबह उठ लिया वर्तिका गुड मॉर्निंग भी बोल रही है सबको हैप्पी मकर संक्रांति भी बोल रही है। क्या रही दी आप भी बोलोगे हैप्पी संक्रांत। ये भाई चाय वाला आ गया अभी मैं चाय पीऊँगा चाय 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 ले भाई छोटे के पास आ गई इसकी मम्मी। सोच तो मैं नहीं थी पहले मैं नहा लूं पर ये बच्चे उठ गए बच्चे देख लो छोटा हो गया मैंने नम नम दे दे मैं नहीं खवाया गुरु बिना नवाई तो रिया तो छोटे की ड्रेस निकाल दी मैंने बिल्कुल नई ड्रेस है रिया रिदे की ड्रेस निकाल दी ये पहले ही नहीं नवाऊंगी फिर मैं नहाऊंगी। चलो भाई बच्चो बोलो कुछ बाथरूम की तरफ तेरा निया ओ छोटा कितना प्यारा बच्चा मेरा तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है।
इसका तो खाने की चीज में ध्यान है नुका मेरी नाम नाम है कढ़ाई हलवे खतर या थोड़ी सी सूजी है या थोड़ा बेसन भी मिक्स करूंगी इसमें और ये किशमिश भी धोकर रख रखी है यो पात पे ही पानी रख रखा है गर्म होना और गाइस ये मेरा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है देखो बिल्कुल रेडी है मेरा हलवा जैसा कि आप सबने पता है आज सकरात है और मेरी माँ मेरे तरह शरीक है तो आज मेरी माँ ने मैं सकरात पर मना कर दूंगी चाहे कुछ हो जाए चाहे मैंने इसके पाप पकड़ने पड़ो और ना बने की चाहे मैंने पाप पकड़ थोड़े तीखा सीटनी पड़ो पर मैं आज इसने मना करूंगी मान जाएगी ना माँ तू तपा तपा के मान जाएगी तुझे सीटें तो मान लेगी मोरे फिर आगे सीटी तो जाऊ नहीं मैं इस पर सीटी तो मान नहीं जाऊ पर अपना ध्यान रख लिए आज मैं तो वो पकड़ ले रहा है करे के तो टूट गया या मेरी माँ का सामान है सकरात का बनाने का घर में जा है बार फिर दूसरा है वो जनता मना की देगे नाम की बही की आज मन मनान के नाम की आज सक्रांत का दिन है मारे औरता या तरफ सब बहन भाइयों को सब बहनों को हार्दिक स्वागत हो और अपना नीय बनाए रखो और अपने अपनी सासुआ का ननदा का पुरानी जठानिया का अपने निवेश क्रिया के रखो जो परंपरा से पैद हुई है ये बना बना रखी है इसमें कोई कुछ वो नहीं होता ये बहुत बढ़िया बात है अरे ये सासू कित लेके जा है सासू बहू आती है छोड़ के जा है कोई गेल नहीं लेके जाती सब मरा है तो ये कंजूस बना कर है चाहे ये कुछ भी हमने धमकावा है चाहे लाड करे कुछ भी करे आखिर में भी रहना तो सब कुछ मारती है छोड़ के जाएंगी ये गेला कुछ नहीं लेके जावा तो कदे सासू कुछ कह दे तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए जो घर में सिठ ठोली रखन असी ठिठोली भी रखनी चाहिए रिश्ते में हर एक में लड़ाई होवे है पर वह लड़ाई लंबी नहीं खींचनी चाहिए उड़े एक दो दिन बाद शांत करके अपना प्यार बरकरार रखना चाहिए रिश्ता में तो हम तो यही कहेंगे सब अपने परिवार में प्यार तो रहो हाँ और वैसे भी जिंदगी में रिश्ते भी बहुत जरूरी है सब कुछ पैसा ही नहीं होता मानना है पैसे तो जिंदगी चल रहा है लेकिन रिश्ता के बिना पैसे की भी कोई अहमियत नहीं रहती है पैसे के साथ साथ रिश्ते भी लेकर साथ में जरूर चलने चाहिए और इसी के साथ एक बार फिर आप सब नए सकरात की बहुत बहुत बधाइयां और मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में।